गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो दिस इज येटअनादर सेशन ऑन ग्रामर सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, के बारे में एंड ये टॉपिक क्या है ये टॉपिक है टू टू यूज प्लस प्लस सो एक्चुअली जब हम रीडिंग uh, कर रहे होते हैं या हम एरर डिटेक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं सो so ये हमारे सामने काफी बार आता है और uh, काफी बच्चे अभी तक इस रूल को समझ नहीं पाए हैं जब भी वो टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी देखते हैं तो वो तुरंत से चेंज करके उसको वी वन लगाना चाहते हैं सो दैट इज वाई ये सेशन में बना रही हूँ हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि आपको टू के बाद क्या लगाना है या वी वन प्लस आई एन जी लगाना है ठीक है सो इस सेशन में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप इसको कर सकते हो क्योंकि देखिए लिस्ट याद करना जो है वो फीजिबल uh, नहीं होता है इससे बेटर है कि आप ट्रिक सीख लीजिए सो दैट कभी भी कोई भी वर्ड आपके सामने आए तो आप आराम से उस ट्रिक को लगाकर ये जज कर सकते हो कि 2 के बाद v1 लगेगा या v1 प्लस ing ऑफ कोर्स मैं कुछ आपको आपको एग्जांपल्स तो जरूर से दूंगी लिस्ट तो दिखाऊंगी मैं आपको बट ये एनकरेज नहीं करूंगी कि आप लिस्ट को रट्टोफाई करो ठीक है रोट लर्निंग uh, मैं एनकरेज नहीं करूंगी ट्रिक सिखाने के बाद आपको कुछ लिस्ट दे दूंगी ताकि आप रेफर कर सको ठीक है चलो सो so बिगिन करते हैं uh, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्चुअली में बच्चों को ये कंफ्यूजन आती क्यों है सो so ये कंफ्यूजन पता क्यों आती है क्योंकि इन्फिनेटिव नाम का एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में एंड uh, उसको क्या बोलते हैं आई मीन उसको क्या होता है वो एक्चुअली में इन्फिनेटिव होता है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ठीक है सो टू प्लस वी वन वी वन इज एक्चुअली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है दिस इज कॉल्ड इंफिनेटिव ओके एज वी कैन सी कई बार क्या होता है कि वीवन अकेला आता है सो so इसको हम बोलते हैं बेर इन्फिनेटिव ये बस मैं ऐसे ही आपको बता रही हूं आपकी नॉलेज के लिए इनफिनेटिव ठीक है सो so, टू के बाद वी वन यस yes, मैं हमेशा इसी तरह से आपको बताती हूं कि कुछ एट्टी परसेंट ऑफ द केसेज में हमेशा आप देखेंगे कि टू के बाद वी वन लग रहा है जैसे आई एम राइटिंग दिस ई मेल टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए मैं ये ई मेल लिख रही हूं सो so, ये टू प्लस वी वन टेल इज इन्फिनेटिव कंप्यूटर्स आर ईजी टू यूज टू प्लस वी वन टू यूज आपका इंफिनेटिव है सो so, इसी तरह से 80 परसेंट ऑफ द केसेस में तो लगता है क्यों आ, तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है कि 20 परसेंट ऑफ द केसेस में वी वन नहीं भी लगता है ओके ट्वेंटी परसेंट ऑफ द केसेस में टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी लगता है तो अगर आप ये सीख लें कि इसके बाद टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी कब लगेगा तो फिर बाकी सब केसेस में आप वी वन लगा दीजिएगा बिंदास राइट right? So, चलो तुरंत से आते हैं इसकी ट्रिक पर कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि टू के बाद कब लगना है ठीक है ठीक so, ट्रिक क्या है इसकी ओके okay. सो so, ये मैं जो ट्रिक सिखा रही हूं बेटा ये टू प्रेपोजिशन के साथ ही लगेगी ओके okay? किसी और प्रेपोजिशन के साथ इसको मत लगाना ये सिर्फ और सिर्फ टू प्रेपोजिशन के साथ लगेगी ओके okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई

वन लगा दिया है क्या ये सही है क्योंकि देखिए टू के बाद वी वन तो लगता ही है है ना ऐसा कोई वो तो है नहीं कि नहीं लगता है पर क्या इस केस में यह सही है तो हमेशा जब भी टू के बाद आप V1 वन देखे एक बार इस तरह से चेक जरूर करें ठीक है अब देखो बेटा चेक करने का तरीका क्या है चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर इस टू के बाद मैं कोई नाउन या प्रोनाउन लगा सकती हूं ओके सो मेरी ट्रिक क्या है कि अगर इस टू के बाद मैं कोई एक सेंटेंस बनाऊं और कन्फेस टू इस टू के बाद मैं कोई नाउन या प्रोनाउन अगर लगा सकती हूं और एक अच्छा करेक्ट सेंटेंस बना सकती हूं इफ यस yes, तो फिर इस टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा ठीक है और अगर नो no, नहीं आ सकता टू के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आ सकता तो फिर टू के बाद ही रहेगा ठीक है बस इतनी सी ट्रिक है अब आप सभी को इसमें यह पता होना चाहिए कि कन्फेस्ट टू का मतलब क्या होता है क्योंकि तभी आप एक सेंटेंस बना पाओगे है ना चेक करने के लिए हमको एक सेंटेंस बनाना पड़ता है तो हम तभी सेंटेंस बना पाएंगे जब हमको इसका मीनिंग पता है यस देखो कन्फेस्ट करने का मतलब क्या होता है कन्फेस करने का मतलब होता है कबूल कर लेना ठीक है तो अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं अगर उसको कबूल कर रही हूं किसी के सामने तो मैं कन्फेस्ट कर रही हूं तो आप ऐसे सोचो कि अगर मैं कोई काम करना कन्फेस कर रही हूं तो मैं किसी के सामने भी तो कन्फेस्ट कर सकती हूं नाउन प्रोनाउन आखिरकार क्या है क्या पर्सन प्लेस या थिंग ही तो है सो so, क्या मैं किसी पर्सन का नाम यहां पर लिख सकती हूं मान लो कि मैंने आ, आ, किसी को आ, बोलना है कि यू you नो know, मैंने चोरी करी है ठीक है सो so, आई कन्फेस्ट टू हिम दैट आई हैव स्टोल इन द रिंग तो मतलब मैंने उसको कन्फेस्ट किया उसके सामने कबूल किया कि मैंने आ, रिंग चोरी करी है ठीक है और जब आप किसी के सामने कबूल करते हैं तो हम इसी तरह से लिखते हैं कि आई कन्फेस्ट टू दैट पर्सन ठीक है सो so, यहां पर ये जो टू के बाद मैंने लगाया ये आखिरकार क्या है प्रोनाउन ही तो है तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही बन रहा है सो so, अगर ये इफ दिस इज पॉसिबल तो इसका मतलब अब जो भी टू के बाद वर्ब यूज करूंगी वो आई में आएगा सो so, हमारा आंसर है कि हम चीटिंग लगाएंगे यहां पर हम यहां पर चीट नहीं लगा सकते हैं सो आई कन्फेस टू चीटिंग इन द एग्जामिनेशन ठीक है सो दिस इज द ट्रिक सिंपल सी ट्रिक है ओके okay. इसी तरह से वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं एक होता है जैसे लुक फॉरवर्ड टू है ना लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आप किसी चीज की राह देख रहे हैं सो so अगर मैं बोल रही हूं आई लुक फॉरवर्ड टू योर सिलेक्शन तो क्या ये सेंटेंस सही नहीं होगा बिल्कुल सही है सो so मैं आपके सिलेक्शन की राह देख रही हूँ तो ये टू के बाद मैंने क्या किया है देखो जरा सा ये टू के बाद मैंने क्या किया है टू के बाद मैंने लगाया है एक प्रोनाउन सो अगर मैं एक प्रोनाउन लगा सकती हूं एंड ये सेंटेंस बिल्कुल सही है तो अब इस टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो वी वन प्लस लुक फॉरवर्ड टू के बाद प्लस आएगा सो आई कैन से वॉट आई कैन से आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू मैं तुमसे मिलने की राह देख रही हूं अब अगर यहां पर मीट यू लिखा होगा तो वो गलत हो जाएगा ठीक है सो so, ट्रिक तो बस यही है किसी पर भी लगा लीजिए चलिए अब एक लिस्ट देखते हैं सो लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू आपको बोला मैंने सो लुक फॉरवर्ड टू सींग यू हो सकता है ओके कन्फेस्ट टू स्टीलिंग द मनी हो गया है ना सो so, यहां पर कन्फेस्ट टू चीटिंग लिखा था स्टीलिंग हो गया सो so, कोई भी वर्ब आप लगा रहे हो बेसिकली तो वो हो गया अच्छा confess to के साथ लगता है तो admit to के साथ भी लगता है है ना यू एडमिट टू डूइंग समथिंग सो यू एडमिट टू चीटिंग ऑन द टेस्ट सो आपने एडमिट किया कि हाँ भाई मैंने चीटिंग करी है एडमिट टू के साथ भी वही लगता है डेडिकेटेड टू के बाद आप प्रोनाउन नाउन लगाकर देख लीजिए बिल्कुल लगेगा क्या हम ये लिख सकते हैं आई एम डेडिकेटेड टू हिम जब एक इंसान Uh, किसी से शादी करता है यू आर डेडिकेटेड टू दैट पर्सन राइट यू हैव डेडिकेटेड यूर लाइफ टू दैट पर्सन है ना इसी तरह से आपने डिवोट भी कर दी है अपनी लाइफ आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है सो डेडिकेट डिवोट क्या होता है कि अपने पैशन अपना पूरा का पूरा उस चीज को दे दिया है समर्पित कर दिया है सो so यहां पर डेडिकेट टू के बाद आप बिल्कुल एक नाउन प्रोनाउन लगा सकते हैं आई एम डेडिकेटेड टू हिम है ना आई एम डेडिकेटेड टू माई एग्जाम सो माए बोल रही हूं माए प्रोनाउन है ना तो बिल्कुल लगा सकते हैं तो इसीलिए क्योंकि मैं प्रोनाउन लगा सकती हूं तो देखो वर्ब भी आईएनजी आ रखा है ही इज डेडिकेटेड टू हेल्पिंग द पुअर पुअर को हेल्प करने के लिए वो डेडिकेटेड है डिवोटेड टू क्लियरिंग द एग्जाम सेम मीनिंग राइट तो एग्जाम में आपने सॉरी क्लियरिंग में आपने आईएनजी लगाया इसी तरह से कमिट टू समवन है ना जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो अगर मैं बोलूं कि आई एम कमिटेड टू हिम ठीक है ना तो बिल्कुल सही है ना सेंटेंस यू कैन बी कमिटेड टू अ पर्सन आप प्रोनाउन लगा लगा सकते हो वेन यू हम जैसे कहते हैं कमिटेड रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने प्रॉमिस कर रखा है कि आप किसी और से शादी नहीं करेंगे या किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे यही तो प्रॉमिस किया होता है तो दैट इज वेन यू आर कमिटेड टू दैट पर्सन सो अगर आपकी शादी हो भी गई है यू आर कमिटेड टू दैट पर्सन आई आई कैन से दैट आई एम कमिटेड टू माई हस्बैंड सो माई हस्बैंड बोल रही हूँ तो माई प्रोनाउन आ गया ना सो so, अगर प्रोनाउन लगा सकती हूं तो वर्ब जो है बेटा मेरा आईएनजी में आएगा सो कमिटेड टू परफॉर्मिंग द बेस्ट हो गया इसी तरह से अपोज टू समथिंग हो सकता है ठीक है अपोज टू समथिंग हो सकता है कोई नाउन आप लगा सकते हैं तो यहां पर इसीलिए आईएनजी आ रहा है सो so, अपोज टू के साथ हमेशा आईएनजी लगता है आई एम अपोज टू चेंजिंग द लॉज ओके इसी तरह से अगर आप मान लो किसी के व्यू पॉइंट से अपोज करते हैं सो so, आई अपोज टू हिज व्यू पॉइंट इस तरह से मैं लिख सकती हूं तो ये देखिए मैंने हिज लगाया जो कि एक प्रोनाउन है ठीक है इसी तरह से अगर अपोज टू के साथ आ सकता है इसलिए इसलिए ऑब्जेक्ट टू भी सेम मीनिंग के साथ है उसके साथ भी आ सकता है आई ऑब्जेक्ट टू अलाउिंग स्मोकिंग इन साइड द बिल्डिंग कि मैं इस बात से ऑब्जेक्शन जताती हूं कि तुम इन साइड द बिल्डिंग स्मोक कर सकते हो सो ऑब्जेक्ट टू के बाद आप लगा के देख लीजिए अगर अपोज टू के बाद लग रहा है तो ऑब्जेक्ट टू के बाद भी लग रहा है तो वी वन प्लस आई एन जी लग रहा है गेट अराउंड टू का मतलब क्या होता है बहुत समय से आप कोई काम करना चाह रहे होते हैं और वो नहीं कर पाते हैं फिर टाइम निकालते हैं तो उसको कहते हैं यू हैव यू गॉट अराउंड टू डूइंग दैट सो उसके बाद वी 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 वन प्लस आई एन जी लगता है ठीक है सो so, जैसे मान लो मैं उसको कॉल नहीं कर पा रही थी फोन उसका आया था मैंने पिक नहीं किया सो so, अब मुझे टाइम मिला तो मैं कह रही हूँ मतलब मुझे टाइम मिल गया उसको कॉल करने का ये तो आज भी आज ही हमने एडिटोरियल में किया था कंड्यूसिव टू कंड्यूसिव का मतलब होता है सूटेबल सो so, अगर मैं कहूं ये जगह इज कंड्यूसिव टू कॉलिंग माई फ्रेंड्स मतलब दिस प्लेस इज सूटेबल कि मैं अपने फ्रेंड्स को यहां बुला सकती हूं ठीक है इसके बाद भी वी वन प्लस आई एन जी लगता है कस्टम टू के बाद भी आदत होना ठीक है तो, अगर आपको चीज़ की आदत होती है, तो हम कहते हैं मतलब मुझे जल्दी उठने की आदत है तो आई एम कस्टम टू आई एम यूज टू वेकिंग सो अर्ली अब यूज टू वर्ड से मैं एक बात आपको बताऊंगी यूज टू के बाद ना ये एक एक्सेप्शन होता है यूज टू के बाद हम दोनों ही लगाते हैं सो so, अगर तो आपने ऐसे लिखा है आई एम यूज टू स्टडिंग एट नाइट तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ठीक है यहां पर आई एन जी आएगा यहां पर यूज टू का मीनिंग है आदत ठीक है पर एक और यूज टू है जिसके साथ आई नहीं टू ही आएगा ये मैं आपको डिफरेंस बताती हूं ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। आप देख रहे हो यहां यूज टू के बाद वी वन लगा दिया और सही है यहां यूज टू के बाद वी वन प्लस आई एनजी लगा रही हूं कह रही हूं सही है ये यूज टू है आपकी पास्ट एक्शन जब भी आप अपने पास्ट एक्शन के बारे में कि मैं ऐसा क्या करती थी उसके बाद वी वन लगेगा और अगर हम बताना चाहते हैं कि ये मेरी आदत है राइट right? आदत की बात आप करना चाहते हैं तो उसके बाद वी वन प्लस आई एन जी लगेगा अब हम पहचानेंगे कैसे अब आप देख रहे हो दी ओनली डिफरेंस इन द सेंटेंस इज हेल्पिंग वर्ब तो अगर तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है तो आदत वाला मीनिंग है तो आई एन लगेगा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वी वन लगेगा ये इसकी पहचान होती है क्योंकि अदरवाइज आपको क्या पता कि आप आदत की बात कर रहे हो या मैं पहले पढ़ा करती थी ऐसा बोल रही हूं है ना सो so, डिसाइड करने के लिए कि वी वन प्लस आई लगेगा या वी वन लगेगा आप हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो आई लगा दीजिएगा नहीं दिया है तो वी लगाइएगा ये सिर्फ और सिर्फ यूज टू वर्ड के साथ है बाकी सब में आप बिंदास आई लगाइए चेक कीजिए इस ट्रिक से और लगा सकते हो सो so, जितने भी वर्ड्स आपके सामने आए है ना ये ट्रिक सब पे काम करेगी नाउन प्रोनाउन लगा के चेक कीजिए आंसर आपके सामने होगा सो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस uh, भी दे सकते हो कि ग्रामर सीरीज में आपको और क्या चाहिए सो so, टें uh, मेरे लिस्ट में है टेंसेज पर मैं बनाने वाली हूँ सेशन उसके अलावा भी आपको जो भी टॉपिक ऐसा लगे ग्रामर में कि आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ उस पर सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है बाकी इन द कमेंट सेक्शन में एक लिंक भी लीव करूंगी आ, मेरे इंडिविजुअल बैच का सो इंडिविजुअल बैच अन अकेडमी प्लस पर मेरा चल रहा है विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल एट जस्ट रुपीज फोर सॉरी फाइव सो so, इस बैच में आपकी ग्रामर का कोर्स भी कंप्लीट होगा और बेसिक और एडवांस्ड इंग्लिश प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगी सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आप परचेज करना चाहें और सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कंप्लीट पढ़ना चाहें मुझसे अन अकेडमी प्लस पर तो आप ये बैच परचेज कर सकते हो इस पर डिस्काउंट कोड साक्षी ट्वेंटी फोर एप्लीकेबल है सो so आप वो भी लगा लीजिएगा ठीक है थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन क्लास को लाइक like जरूर कर देना बाय बाय